बैरिकेडिंग हो गई है आजकल। कनक भवन जाएंगे तो कनक भवन की रिलेवेंसी ये है कि कनक भवन को कैकेयी ने जो है वो सीता को मुंह दिखाई में दिया था। ठीक है, वहाँ चलते हैं और जरा दर्शन करते हैं प्रभु राम के नगरी अयोध्या में। हम आए हैं तो दर्शन राम की नगरी है और ट्रैफिक से कराह रही है। देखिए आप, आज मैं काउंट कर रही थी कि कितने किलोमीटर हम लोग गए थे। पूरा मिला के पता है अब तक हम लोग 1700 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अयोध्या पहुंचे हैं और अगर आप रामलला के दर्शन नहीं करें तो भी ठीक नहीं है। तो आइए मैं भी इस दर्शन को करी। बहुत अच्छा अनुभव है, एक अलग सा अनुभव है। चिलचिलाती धूप में क्योंकि टाइम भी कम था, भागते हुए गए, बट दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हम आपको अब ले चल रहे हैं कनक महल, जहाँ पर प्रभु राम को वो सौगात के तौर पर दिया गया था सीता जी से जब शादी हुई थी। कैकई ने दरअसल वो दिया था रानी कैकई ने। तो चलिए वहाँ पर दर्शन करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग तो जीते हैं, उठते हैं, सोते हैं प्रभु राम के साथ। देखते हैं अगर बाहर पुजारी जी मिलते हैं, बात करें। कितना पुराना है दशरथ सभा के सबके मंदिर है। अच्छा, इतना पुराना है। हाँ, मतलब अच्छा। दशरथ जी को है भगवान राम को तो राम जन्मभूमि होते है। हाँ। तो सारे लोग कई पीढ़ी हो गई। अभी फिलहाल हम हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे हैं। ये हिस्सा अयोध्या का कुछ ऐसा कि जो पिलर्स है, जो पत्थर है, उनसे पूरी नक्काशी करके लगभग जो मॉडल यहाँ पर बनाया गया है मंदिर का, उसको पूरी तरह से तैयार करके रखा गया है कि जब भी यहाँ के वासियों का जो सपना है और जिसके लिए पूरी यहाँ पर कोशिशें हैं इतने वर्षों से, अगर वो मंदिर बनने का दिन आता है तो वक्त ना लगे और यही पिलर्स वहाँ पर जाके सिर्फ फिक्स कर दीजिए। चलिए, रामलला के दर्शन हो गए, अयोध्या की गलियों में हम पहुंच गए। मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर मूर्तियां पहले से तैयार हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब बारी शाम की होगी जब हम पहुंचेंगे अपने आज तक के चुनाव स्टूडियो में और वहां पर हमारा बड़ा सा कार्यक्रम होगा राजतिलक। तालियों के साथ अयोध्या के लोगों ने स्वागत किया, मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। क्या धर्म की राजनीति में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? तेवर में शो के पहले से देख रही हूं। बजरंग अली एक साथ नाम लेने की क्या जरूरत थी? आवाज नीचे कीजिए। अली और बड़ी को हम भी मानते हैं।